नगर ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के आंगनबाड़ी केंद्र पर यहाँ मौजूद है और यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का जो है गोद भराई का कार्यक्रम किया गया है और उनको स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई है। तो हम सीधे जो है उन जो लोग यहाँ आए हैं जो उस विभाग से जुड़े हुए हैं, अधिकारी हैं उन लोग विभाग के, हम सीधे उनसे नाम पूछते हैं और आज जो कार्यक्रम किया गया इसका क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। तो सर आज आपने जो है बहुत समय दे दिया है और आप आए हैं, आपने काफी जानकारी दी है, तो सर पर तो नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच। एक्चुअली ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 अगस्त को हमारे प्रदेश में पोषण अभियान का शुभारंभ किया और इस सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाए, जिसमें पढ़ने की अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जैसे विवाह देवी है, रैली है, गोद भराई, अन्नप्राशन, ये सारी चीजें हैं ताकि पोषण के बारे में जन जागरूकता, जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति ये जाने कि उसके बच्चे का, गर्भवती महिलाओं का, किशोरियों का स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण, कितना आवश्यक है। इसीलिए ये यहाँ पर सिम्बोलिक रूप में कुछ महिलाओं की भराई और बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया है ताकि महिलाओं को ये पता चल सके, उनके परिवार वालों को जानकारी हो सके कि क्या क्या किस माह में किस दौरान को क्या क्या चीजें खाने में आवश्यक है। और डॉक्टर जी हैं, हम सीधे उनसे संक्षिप्त में बात करेंगे। तो मैडम जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी, क्योंकि जो आज कार्यक्रम किया है आपने, महिलाओं की भलाई भी की है आपने, उनको जो है फल और जो खाने की चीजें आपने दी है, तो गर्भवती जो महिलाओं के बारे में तो कैसे जो है क्या उद्देश्य था वो बताइए और वो सुरक्षित कैसे रहे, कैसे उनका बच्चों का विकास हो वो बताइए। मैं सिर्फ संक्षिप्त में सिर्फ 5 बिंदु पर बोलूंगी। पहला चीज, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खाना है जिसमें दूध और अंडा जितना वो शामिल कर सके वो करें। दूसरा, सरकार द्वारा जो आयरन की गोलियां दी जा रही हैं वो उन्हें रेगुलर खानी है, पूरा गर्भावस्था के दौरान में उनको वो आयरन की गोलियां सरकार द्वारा दी गई है वो खानी है। तीसरा चीज, उन्हें अपना जो डिलीवरी है, अपना जो प्रसव है वो कम से कम चार बार उन्हें अपना ANM को दिखाना है पूरा गर्भावस्था के दौरान, और प्रसव जो है वो किसी अस्पताल में ही कराना है। बच्चे को, चौथा चीज, बच्चे को पैदा होते के साथ ही अपना दूध पिलाना शुरू करना है और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है और 6 महीने से बच्चे को ऊपर का खाना खिलाना शुरू करना है और अपना दूध पिलाना जारी रखना है। अगर वो ये सिर्फ ये 5 बिंदु को भी अगर हम लोग अमल में ले आए और सारी माताएं और बहनें ये चीजें कर ले तो हमारा बच्चा कोई भी कुपोषित पैदा नहीं होगा और आगे तक उसका विकास शारीरिक और मानसिक समय से बच्चे का टीका जरूर लगे, बच्चे का टीका लगता कब कब है, तो जन्म से भी मैंने आपको बोला जन्म का टीका लगता है उसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने का टीका लगता है बच्चे को, उसके बाद 9 महीने का बच्चे को टीका लगता है, 1.5 साल तक आता है, 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक ही बार। कुछ लोग की अफवाहें में कुछ लोग घुस जाते हैं कि सरकार टीका लगा के बच्चे बंद पैदा करना चाहती है कि बच्चे पैदा ना हो, या फिर पक जाता है भी पैदा होगा नस बंद करके ही बच्चा पैदा हो सकता है। मैंने कहा कोई दवाई दुनिया में किसी भी तक दे संसार में कहीं भी ऐसी दवाई नहीं बनी तो देखे बच्चे को पैदा बंद कर सकता है, ऐसा कोई दवाई नहीं बनी कि बच्चे ऐसे पैदा हो जाए, केवल बच्चे को आप लोग बंद नहीं कर सकते, चीनी खाना आप लोग बंद नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम खाना बंद नहीं कर सकते, उसमें मिलाई जा सकती है, तो दुनिया के किसी भी तकते पे ऐसी दवाई कोई नहीं बनी जिससे कि बच्चे ऐसे पैदा होने पर। दूसरी बात आती है बुखार की, बुखार की हम लोग बात करते हैं या फिर